It's the center of the Birmingham summer, the Commonwealth Games. A 41-year-old wait ended with a bronze medal winning exploit. You know, but the point is, we are going to celebrate the Games in all its diversity. शरद बहुत बहुत मुबारक हो, गोल्ड मेडल आपका, पांचवा कॉमनवेल्थ गेम्स और दसवां गोल्ड मेडल, पांचवा गोल्ड मेडल, ओवरऑल 10 मेडल, कैसा लग रहा है? ये बस शुरू है इस कॉमनवेल्थ गेम्स का, सो इससे आगे भी और आना है मेडल्स, तो काफ़ी खुश हूँ जिस तरीके से हम इस मेडल को पाया है हमने। सेमीफाइनल में नाइजीरिया को 3-0 हराना, फाइनल में सिंगापुर को 3-1 हराना, मतलब हमने काफ़ी अथॉरिटी के साथ सब मैचेस जीते और एक अच्छा यूनिट, एक अच्छा टीम के जैसे खेले और वही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी रहा इस पूरे टूर्नामेंट में। तो यही कॉन्फिडेंस लेके हम आगे सिंगल्स और डबल्स और मिक्स डबल्स खेलने के लिए भी जाएंगे। 2006 मेलबर्न से आप खेल रहे हैं, इतना बड़ा सफ़र, तो लगभग 16 साल हो गए हैं, कैसे देख रहे हो एक लॉन्ग करियर आपका इतना सक्सेसफुल रहा? या काफ़ी खुश हूँ जैसा है, और यही उम्मीद करूँगा कि यू नो इफ़ आई कैन कीप, अगर इतना ही फिट रह सकता हूँ और इतना ही मोटिवेशन है इंडिया के मेडल्स जीतने के लिए, और कोशिश करूँगा। आप पहले ऐसे एथलीट हैं जो 5 कॉमनवेल्थ गेम्स खेल चुके हैं और 5 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आए, आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है? आई थिंक जो पैशन है गेम के लिए, जो जील है हमेशा और आगे जाने का और गेम में इम्प्रूव करने का, आई थिंक वही है। आई थिंक अच्छा लगता है मुझे टेबल टेनिस खेलना और देश के लिए मेडल्स जीतना, सो जो अच्छा लगता है वही कर रहा हूँ मैं। आप ये मेडल किन्हें डेडिकेट करना चाहोगे? ऑफकोर्स मेरा फैमिली को, बिकॉज वो जो सैक्रीफाइसेस करते हैं मेरे लिए कि मैं इतना अच्छा खेलूँ, स्पेशली माई वाइफ। शरद आप सबसे सीनियर है, आपने कहा था कि आप बड़े भाई हो सत्यन के लिए, हरमीत के लिए भी, तो आप उनको मोटिवेट कैसे करते हो? कुछ अलग करने की क्या ज़रूरत नहीं है, जो टेबल पे दिखाता हूँ, जो प्रैक्टिस हॉल में दिखाता हूँ, उसी से वो मोटिवेट हो जाते हैं, और जब वो कॉन्फिडेंस उनको दिखता है तो वो लोग भी अपने ऑटोमेटिकली उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाती है। जैसे आज कल जैसे मैं खेला, आई थिंक टीम का भी कॉन्फिडेंस, मोरल हाई था, और अगर जो मैं सेकेंड मैच जैसे हार गया तब भी टीम का मोरल डाउन नहीं हुआ, सत्यन ने वापस उठा के रख दिया और हरमित ने उस मैच को क्लोज कर दिया। शरद एक लास्ट सवाल, इंडियन फैंस के लिए कोई मैसेज, आज काफ़ी लोग आए थे? हाँ, बहुत अच्छा लगा, सब आए और हमें चेयर करे, आगे भी आओ और सब चेयर करो हमारे लिए, और भी गोल्ड मेडल्स जीतेंगे हम। 1 done, 3 to go, लेट्स ट्राई। थैंक यू सो मच। इट्स द सेंटर ऑफ द बर्मिंघम समर, द कॉमनवेल्थ गेम्स। A 41-year-old wait ended with a bronze medal winning exploit. You know, but the point is, we are going to celebrate the games in all its diversity.